हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और पॉजिटिव रह रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है अगले कुछ घंटों में ये पर्सन एक्शन लेंगे, कनेक्ट आपसे करेंगे या आपको कोई इनका कॉल टेक्स्ट आ सकता है। ओके, तो हम देखते हैं। स्टार्टिंग में हम कुछ मैसेजेस लेंगे। ओके, जनरल मैसेजेस होंगे, जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, ऑल साइन की रीडिंग होगी। ओके, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, जितना रीडिंग आपसे मैच करेगा आपने रीडिंग को उतना ही लेना है। ठीक है, चाहे आप लोग लेस कम्युनिकेशन में हैं या नो कम्युनिकेशन में हैं और पर्सन के एक्शन का वेट कर रहे हैं। ओके, हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, सेम जेंडर के लोग भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए अपने अपने पर्सन पे। देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, फिर हम टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे। डिनर, तो हो सकता है ये पर्सन कुछ आपको डेट कर रहे हों, डिनर का कुछ प्लान कर रहे हों, कुछ मिलने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हों। ओके, न्यू जॉब, वाओ, तो हो सकता है इस पर्सन को कोई नई जॉब मिली है या कोई ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड अबाउट हर जॉब या हिज जॉब। ओके, कोई गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, डिनर पे लेकर जाना चाहते हैं आपके साथ। रीबिल्ट, तो हो सकता है रिलेशनशिप में अगर कुछ अनबन आप लोगों के चल रही है या कुछ एनर्जीज आप लोगों की स्टक हैं तो ये पर्सन रीबिल्ट के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा से रिलेशनशिप को एक अच्छे तरीके से निभाने के बारे में ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। ओके, सोलमेट, तो हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट कनेक्शन हो। ओके, किड्स, ओके, हो सकता है कोई किड्स के इशू हो सकते हैं, हो सकता है कि आप लोग मैरिड पर्सन हैं। ओके, या आप दोनों के ही बच्चे इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी में हमारे पास किड्स के निकल के आई है। सम मोर और हम लेंगे कुछ मैसेजेस। ओके, ये मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको सभी मैसेज जो हैं वो क्लियरली नज़र आए। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, किड्स के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सब मैसेजेस हम यहाँ से ले लेते हैं ताकि हम फिर टैरट से एक ही दफ़ा देखेंगे कि हमें टैरट से क्या मैसेज आते हैं आपके पर्सन के एक्शन के या हाल फिलहाल में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, अगले कुछ घंटों के लिए चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट बिटवीन अस, तो इनकी ख्वाहिश है या इनकी विश है कि जैसे पहले चीज़ें थी वैसी अपना रहें। ओके, समथिंग चेंज, कुछ सिचुएशन चेंज होने लगी है आप लोगों की या ये कुछ सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। ओके, समो के लिए आई होप वन डे आई कैन बी वट यू नीड, तो आपसे कहना चाहते हैं कि वन डे इन्हें उम्मीद है कि जो कुछ आप चाहते हो या जैसा आप इस पर्सन से चाहते हो ऐसा ही सब कुछ होगा। ओके, इन द फ्यूचर आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं ये पर्सन या चाहती हैं, शायद जो भी आपकी नीड है या एक्शन आप इस पर्सन से आपको है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले। ओके, तो हो सकता है ये पर्सन इस बारे में थिंक कर रहा हो। ओके, वन डे आई हैव लेट यू गो वाज द हार्डेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन इन्होंने आपको छोड़ा था या आप इनको छोड़ के गए थे तो वो इनकी ज़िंदगी का बहुत ही मुश्किल तरीन फैसला था या बहुत मुश्किल तरीन इनके दिन उसके बाद से गुजरना शुरू हुए हैं। ओके,
यू शोड मी वट ट्रू लव फील्स लाइक। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही ने इन्हें सच्चा प्यार करना सिखाया है, या इन्होंने ही आपसे, आपके थ्रू या आपके ज़रिए ही इन्हें पता चला है कि ट्रू लव क्या होता है। ओके, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो डिवेलप हुई हैं थ्रू आपके ज़रिए। ओके, अब हम टेरर से देखते हैं आइंदा अगले कुछ घंटों में कैसी एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। फोकस कीजिए अपने अपने पर्सन पे। चैनल पे नए हो तो लाइक करो, रीडिंग आपसे मैच हो रही है, मैसेज आपसे मैच हो रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं तो लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। टेन ऑफ वैंस, दो कार्ड आगे चले, दोनों को ले लेते हैं कार्ड को। द एम्प्रेस है और द पेज ऑफ सोर्स। साइन भी बताती हूँ, नंबर्स भी बताती हूँ। ओके, पहले मैंने कहा कार्ड निकाल लें, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंस। ओके, तो साइन तो हमारे पास ऑलमोस्ट, वाटर साइन अभी तक हमारे पास निकल के नहीं आया। सोर्स हैं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। पेंटिकल्स हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हैं। वॉन्स हैं तो लियो, सैज, एरीज हैं। आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, नंबर थ्री, नंबर टेन कुछ खास हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर नाइन, ओके, हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या हो सकता है अक्टूबर का महीना, मार्च का महीना, सितंबर का महीना, कुछ खास हो सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ओके, या हो सकता है आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ इनमें से हो। ओके, ऑल साइन के लिए रीडिंग है बट हमें अभी वाटर साइन नहीं दिखा। ओके, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचे तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपसे मैच कर जाए, या हो सकता है आपको कुछ गाइडलाइन मिल जाए। अगेन हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नंबर सेवन कुछ खास हो सकता है। जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए कुछ खास हो सकता है। वाओ, अगेन सेवन हो सकता है, सेवन नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखता हो। डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों को सेवन सेवन दिख रहा हो, द चैरियट, कैंसर, स्ट्रॉन्ग कैंसर है इस पर्सन के बर्थ चार्ट में, हो सकता है या आप किसी कैंसर पेपर से डील कर रहे हो। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, जिस जिसको भी सेवन सेवन दिख रहा है वो मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, मुझे बताएं। एंजल नंबर सेवन सेवन आप लोगों को दिख रहा है कि सेवन की एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा निकल के आई है। ओके, मैरिज कार्ड, द हेरोफेंट, बॉटम की एनर्जी में है, फोर ऑफ कप्स, तो फोर फाइव नंबर भी कुछ खास हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, एंड द टावर मूवमेंट, ओके, बॉटम की एनर्जी में तो हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हैं अभी, कम्युनिकेशन आप लोगों की कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ बंद है कुछ के लिए, हो सकता है लेस कम्युनिकेशन ओपन है आप लोगों के दरमियान में। ओके, एलिमेंट्स हमारे पास सभी हैं, साइन हमारे पास सभी हैं। आई थिंक इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में शायद कोई कमिटमेंट को लेके शायद कुछ आप लोगों के अंदर इश्यूज आई थिंक क्रिएट हुए हैं थ्रू टैरट, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस पर्सन के ऊपर कुछ बर्डन्स हैं, हो सकता है फाइनेंशली या जॉब से रिलेटेड, क्योंकि जॉब का भी हमें एक कार्ड मिला। ओके, तो हो सकता है इस पर्सन के ऊपर
कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ प्रेशर हैं, हो सकता है रिलेटेड टू जॉब हो सकता है, रिसेंटली इस पर्सन ने अपनी जॉब को हो सकता है गवाया हो, या हो सकता है इनको अब कोई जॉब मिल गई हो. ऐसी सिचुएशन इस पर्सन की मुझे लग रही है. बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऑफर करने का, आपकी तरफ आगे बढ़ने का ये पर्सन सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में वर्क करने का सोच रहे हैं. बट ये कहीं ना कहीं स्टक है, मुझे लग रहा है. अगर आप लोगों के दरमियान में कोई इश्यूज नहीं है या थर्ड पार्टी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन के ऊपर वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है. शायद ये पर्सन काम में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है. हो सकता है ये कोई बिजनेस ना कर रहे हो, उन्होंने रिसेंटली कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है, किसी किसी के लिए हो सकता है, सम ऑफ के लिए. मूवमेंट है मुझे अगले कुछ घंटों में इस पर्सन की तरफ से. ये पर्सन आपको स्टॉक कह रहा है सोशल मीडिया पे भी. शायद इस पर्सन के पास कुछ ऑफर्स भी हैं या ऑप्शंस भी हैं, बट इस पर्सन की एनर्जी आपको ही कहीं ना कहीं मिस करती है, या ये पर्सन आपको ही लव ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं. यहाँ भी एक कप ऑफर किया जा रहा है इस पर्सन को, बट ये पर्सन इसकी तरफ नहीं देख रहे. ये पर्सन के पास, इसके हाथ में ये कप है, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाह रहे हैं. कमिटमेंट आप ही को मिलेगा, या शायद ये पर्सन कमिटमेंट आप ही को देंगे. हो सकता है कोई मैरिड पर्सन इस रीडिंग को देख रहा है, मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं. कोई सिंगल लेडी भी हो सकती हैं, वो सेपरेटेड हो सकती हैं अपने पर्सन से. तो शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ही अबंडेंट फील करता है. उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप तो इनके बगैर भी रहना पड़े तो आप सरवाइव कर सकते हो, आप बहुत स्ट्रोंग फिगर हो. इनकी नज़र में ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ. हो सकता है आप वर्किंग हो कोई लेडी, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकती हैं जो जॉब भी कर रही हैं और साथ साथ बच्चों का भी देखना और प्रेजेंट पे रहने वाली आपकी एनर्जी है. ऐसा भी ये पर्सन आपके बारे में मुझे थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं. रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं. ये पर्सन, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा विजडम वाले हैं, समझदार, समझबूझ वाले हैं. इन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है. इन्हें हर चीज़ का इलम है, इन्हें हर चीज़ का पता है कि कैसे मैंने चीज़ों को लेके मूविंग फॉरवर्ड करनी है, या कैसे मैंने अपने काम पे जो है वो वर्क करना है और आगे बढ़ना है, या इस रिलेशनशिप को एक फाइनलाइज करना है. रिगार्डिंग टू मैरिज, या अगर आप सेपरेटेड हो तो रीयूनाइट का ये पर्सन जो है ना कमांड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. आगे बढ़ते हुए ये पर्सन मुझे आपकी तरफ मूवमेंट फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं. विजडम वाले ये पर्सन है. देख रहे हैं आप, एक ब्लैक है और एक वाइट है लॉइन. जैसे एक योद्धा जाता है ना जंग में लड़ने के लिए तैयार होता है, लाइक ऐसी है इस पर्सन की एनर्जी. ये आपको हर कीमत पे आपको जीतना चाहते हैं. हाल फिलहाल में हो सकता है आप लोगों का कोई टावर मूवमेंट आया हुआ है, या चीज़ें एकदम से आप लोगों की सडनली रुक गई हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा ये पर्सन इतना क्यों स्टक हो गया, या इस पर्सन की एनर्जी क्यों स्टक हो गया. हमारा तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, या एक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस पर्सन के कुछ इश्यूज आ गए थे. या इसके ऊपर फैमिली प्रेशर आ गया था, या इसके ऊपर कोई जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से हो सकता है आप एक ब्रेक थ्रू से गुजरे हो. बट ये पर्सन मुझे अगले चंद घंटों में आपकी तरफ भरते हुए विद द ऑफर ऑफ लव एंड मैरिज का प्रपोजल लेकर आते हुए आपकी तरफ मैं इस पर्सन को फॉर श्योर देख रही हूँ. क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सोलमेट का कनेक्शन भी निकल गया है. तो आप लोगों का जो कनेक्शन है सोलमेट है, और अगर आप लोग मैरिड पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन अपने किड्स को मिस कर रहा है, या आपसे मिलना चाह रहा है, या बच्चों से मिलना चाह रहा है. तो अगले कुछ घंटों में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, और हो सकता है ये पर्सन कुछ अपोलोजाई के साथ आए, या हो सकता है दोबारा से रिकन्सिलेशन आप लोगों का हो जाए. अभी तक के लिए इतना ही. चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. बाय बाय.